आज विश्व के मानव वासियों को मैं एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। वो ये है, यद्यपि इस पर मेरा वीडियो बहुत लगा हुआ है, कई वीडियोस लगे हुए हैं और पुस्तक में भी मैं लिखा हूँ कि धर्म में और मत मज़हब में अंतर क्या है, मत मज़हब रिलीजन संप्रदाय में और धर्म में फ़र्क क्या है। धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है, धर्म किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया हुआ नहीं होता, और व्यक्ति विशेष के द्वारा जो चलाया हुआ होता है उसे मत कहते हैं, पंथ कहते हैं, मजहब कहते हैं, रिलीजन भी कहते हैं। रिलीजन के माने संप्रदाय है, रिलीजन के माने धर्म मत समझना, रिलीजन माने है संप्रदाय। तो ये विभिन्न संप्रदाय के जो लोग हैं, तो इस संप्रदाय के जो जन्मदाता हैं उनका मानना जरूरी होगा, उनको माने बिना उस संप्रदाय को मानना ये संभव नहीं। इसलिए आप देखेंगे कोई बौद्धिस्ट है तो बौद्धिस्ट होने से पहले उसको महात्मा बुद्ध को मानना पड़ेगा, महात्मा बुद्ध को माने बिना कोई बौद्धिस्ट नहीं बन सकता, महावीर स्वामी को माने बिना कोई जैनी नहीं बन सकता, हजरत ईसा मसीह को माने बिना कोई ईसाई नहीं बन सकता। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई मुसलमान बनता है, बनना चाहता है या बनेगा, तो उसको भी हजरत मोहम्मद साहब को मानना पड़ेगा कि अल्लाह के साथ रसूल को भी मानना जरूरी है। रसूल को माने बिना कोई भी अल्लाह को नहीं पा सकता, अल्लाह को पाने के लिए पहले रसूल को पाना पड़ेगा, और वो मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान में भरा पड़ा है। सूरह अनफाल आयत नंबर 13 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب। इसलिए है कि उन लोगों ने खुदा और उसके रसूल की मुखालिफत की, और जो शख्स खुदा और उसके रसूल की मुखालिफत करेगा, याद रखे खुदा बड़ा सख्त अजाब करने वाला है। यानी रसूल की मुखालिफत कोई नहीं कर सकता, अल्लाह की मुखालिफत भले ही कर दे लेकिन रसूल की मुखालिफत नहीं करता। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि गुस्ताख रसूल नाम से ये लोग कई लोगों पर प्रतिबंध लगाया है कई जगह, और जेल में भी भेजे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे मैं बता रहा हूँ, सूरह इमरान आयत नंबर 31 में बोला है, قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم। اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تم کو دوست رکھے گا۔ یعنی خدا سے اگر کوئی دوستی رکھنا چاہے، خدا سے پریم کرنا چاہے، خدا سے لو لگانا چاہے، تو پہلے محمد کو پانا پڑے گا، محمد کو پائے بنا کوئی خدا کو نہیں پا سکتا۔ आगे बतलाया है सूरह आल इमरान आयत नंबर 32 में, कुल आतिउल्लाह व रसूल फइन तवल्लु फइन अल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। ऐ रसूल कह दो कि खुदा और रसूल का, रसूल की फरमा बरदारी करो, अगर ये लोग उससे सरतावी करे तो समझ लो कि खुदा काफिरों को हरगिज दोस्त नहीं रखता। यानी खुदा को पाने के लिए पहले मोहम्मद को पाना पड़ेगा। आगे बताया सूरह निसा आयत नंबर 59 में, यह अय्युह नबियो आमनु अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल उम्रे मिनकुम फइन तनाज़अतुम फी शक्किम फरदू इलल्लाहि व रसूलिही इन कुंतुम तुमिनून बिललाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका ज़ालिका خير وعسر طويلا। यानी ऐ ईमानदारो खुदा की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, रसूल की फरमा बरदारी करो, साहिबान हुकुम हो कि इनकी इताअत करो, और अगर तुम किसी बात के से झगड़ा करो पर तुम खुदा और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हो तो रसूल की तरफ रुजू करो। आगे बतलाया है सूरह निसा आयत नंबर 80 में,
من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. जिसने रसूल की इताअत की तो उसने खुदा की इताअत की, और जिसने रुगरदानी की यानी पीठ फेर लिया, मुंह फेर लिया उसे, तो कुछ ख्याल न करो। उसमें हमने तुमको पासवान मुकर्रर करके तो भेजा भेजा। आगे बताया है सूरह मायदा आयत नंबर 92 में, वातिउल्लाह वातिउर्रसूल वादरू फइन तबल्लैतुम फअलमू इन्नमा अला रसूलिन बलागुल मुबीन। और खुदा का हुक्म मानो और रसूल का हुक्म मानो और नाफरमानी से बचे रहो। इस पर भी अगर तुमने हुक्म खुदा से मुंह फेरा तो समझ लो कि हमारे रसूल पर बस साफ साफ पैगाम पहुंचा देना फर्ज है। आगे बताया है सूरह तगाउन आयत नंबर 12 में, वातिउल्लाह वातिउर्रसूल फइन तवल्लौ फइन्नमा अला रसूलिन बलाउल मुबीन। और खुदा की इबादत करो, इताअत करो और रसूल की इताअत करो, फिर अगर तुम मुंह फेरा तो तुम्हारे रसूल पर सिर्फ पैगाम का बजाए करके पहुंचाना देना फर्ज था। आगे और बताया है सूरह नूर आयत नंबर 54 में, कुल अतीउल्लाह वअतीउर्रसूल फइन तवल्लौ फइन्नमा अलैहि मा जअला व अलैकुम मा जमलतुम वइन तुइदुहु तहतदू वमा अला रसूल इल्ला बलागुल मुबीन। ऐ रसूल, तुम कह दो कि खुदा की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, इस पर भी अगर तुम सरतावी करोगे तो बस रसूल पर ही इतना ही तबलीग वाजिब है जिसके वो जिम्मेदार किए गए हैं, और जिसके जिम्मेदार तुम बनाए गए हो तुम पर वाजिब है कि अगर तुम उनकी इताअत करोगे तो हिदायत पाओगे, और रसूल पर तो सिर्फ साफ और तौर पर अहकाम का पहुंचाना फर्ज था। आगे और बताया सूरह मोहम्मद आयत नंबर 33 में, या अय्युहल लदीन आमनु अतीउल्लाह वअतीउर्रसूल ला तुज़लमून अअलमू लकुम। ऐ ईमानदारों, खुदा का हुक्म मानो और रसूल की फरमा बरदारी करो और अपने आमाल को जाया न करो। आगे और कहा है सूरह इमरान आयत नंबर 132 में, वातिउल्लाह वर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। और खुदा और रसूल की फरमाबरदारी करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब यहाँ देखिए, साफ शब्दों में मैंने जिक्र फरमाया है, मैंने आप लोगों के सामने ये प्रस्तुत किया है कि परमात्मा को पाने के लिए हमारे यहाँ पर बिचौलिया की कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा कौन है पहले उसको जानना पड़ेगा, उसको जानने के लिए, उसको पाने के लिए उसके रास्ते पे चलना पड़ेगा। यहाँ 20 में अग्नि वायु आदि तंगिरा कपिल करात पतंजल गौतम जैमिनी व्यास आदि ऋषि की आवश्यकता नहीं है। आप राम को मानेंगे तो पाएंगे परमात्मा को, राम को नहीं मानेंगे तो भी पाएंगे परमात्मा को, क्योंकि राम भी परमात्मा को पाने के लिए तरह तरह के वो उन्होंने ईश्वर आज्ञा पालन करने के लिए, आपने देखा होगा जंगल में जहां जहां गए वहीं वहीं कुटिया उन्होंने बनाई जहां पर यज्ञ करने की सुविधा हो। अर्थात संध्या करण चले दो भाई, ये बाबा तुलसी भी कह रहे इस बात को कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण दोनों संध्या किया करते थे। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि अगर आप परमात्मा को पाना चाहते हैं तो कृष्ण को पाना जरूरी नहीं है, देहरन को पाना जरूरी नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए पहले परमात्मा को जानिए, परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा का जानना जरूरी होगा। परमात्मा को जाने बिना परमात्मा का पाया जाना संभव नहीं होगा। इसलिए धर्म में ये फर्क है, धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा धर्म चलाया हुआ नहीं होता। और ये मत मजहब व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया होने के नाते जो उसके जन्मदाता है उसको पाना पड़ेगा। उसको पाए बिना कोई अल्लाह को नहीं पा सकता, कोई गॉड को नहीं पा सकता। गॉड को पाने के लिए ईसा मसीह को ही अपना
अपनाना पड़ेगा। हजरत ईसा मसीह को अपनाए बिना कोई गॉड को नहीं पा सकता, यहोवा को नहीं पा सकता। यहोवा को पाने के लिए यहोवा पुत्र यीशु को मानना पड़ेगा। इस तरीके से धरती पर जितने भी मत मतांतर हैं, उन सब मत मतांतरों के जो जन्मदाता हैं, उनके जन्मदाता को पाना बड़ा ज़रूरी है। उनके जन्मदाता को पाए बिना कोई परमात्मा तक नहीं पहुँच सकता। तो जैन और बौद्ध ने तो परमात्मा को ही माना नहीं, उन्होंने परमात्मा को ही सरासर अस्वीकार किया है, तो उनकी बात नहीं है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, इन तीनों की चर्चा आप देखेंगे। हमारे यहाँ पर सत्य सनातन वैदिक धर्म में राम का पाना जरूरी नहीं है, राम को पाना जरूरी नहीं है, ईश्वर को पाना जरूरी है, कृष्ण का पाना जरूरी नहीं है, कृष्ण को पाना जरूरी नहीं है, अपितु उन महापुरुषों ने जो उपदेश दिया है उन उपदेशों पर अमल करते हुए ही परमात्मा तक पहुँचा जाना संभव होगा। इसलिए परमात्मा से विनती की गई, वेद मुकद्दस में परमात्मा के लिए बताया गया है, ओम अग्ने नय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वायुनानि विद्वान यो यो धस्म जुहुरान मेनो भूष्ठाम ते नमो उक्तिम विदेव। परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा का जो रास्ता है, जो आप तो लोग जिस रास्ते पे चलकर परमात्मा को पाए हैं, परमात्मा से विनती की गई कि परमात्मा आप हमें भी उसी पथ के पथिक बनाए, आप हमें भी उसी रास्ते में, सही और रास्ते में, सच्चे रास्ते में चलने का तौफीक अता फरमाए। यह भी कहा जाता है कुरान के अंदर, एहदरस सिरात अल मुस्तकीम, के सीधा रास्ता पर चले, सीधा रास्ता पर चले। तो सीधा रास्ता क्या वही है जो अल्लाह को पाने के लिए मोहम्मद का पाना जरूरी है, रसूल को पाए बिना कोई अल्लाह को नहीं पा सकता, क्या यही सीधा रास्ता होगा? इसीलिए वेद का कहना है नन्ना पंथ विदते आय नाय, यद्यपि कल मैं बताया भी था कि एक ही रही सही और सच्चा रास्ता है, अनेक रास्ता सही और सच्चा नहीं है, घूम फिर करके अनेक तरफ से जाया जाना संभव होगा, लेकिन सही और सच्चा रास्ता केवल एक है, वो वेद रूपी रास्ता। इसीलिए वेद मुकद्दस में ही उपदेश आया है कि नन्ना पंथ विदते आय नाय, कि अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। परमात्मा हमें क्षमता प्रदान करें उसी सही और सच्चे रास्ते पर चलते हुए परमात्मा का सानिध्य लाभ करें। धन्यवाद।